कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम। अन्याय हुआ है परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, बात समझ आई, न्याय मिलेगा इनको। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। यहाँ पे पूरी भीड़ है, ये सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं न्याय मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है, धमकाया गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, एक व्यक्ति को मारा गया है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मास्टरमाइंड है, जिसने करवाया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी यहाँ के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लोग गुस्सा है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहां आया हूं। और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हाँ, इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने परिवार से बात की, माता जी से बात की, उन्होंने कहा कि छोटा बेटा बाल काटता है, 6-7 बार युवा आए उसके पास और उन्होंने उससे बाल कटवाए और पैसे नहीं दिए। आखिरी बार पैसे नहीं दिए तो लड़के ने कहा कि देखिए आज आप मेरे को पैसे दे दीजिए, और उसके बाद उसकी हत्या, उसके भाई की हत्या की गई। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, बात समझ आई, न्याय मिलेगा इनको। देखिए फांसी दो, ये कानून के पर है, ये मेरा काम नहीं है, मगर कानून लागू करवाना, दबाव डालना, वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा, दलित परिवार है इसीलिए ये हो रहा है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ, मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने रखे हैं, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, आज सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा कि अपना प्रोटेस्ट एंड करने, एज एलओपी आपका क्या व्यू है? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपना स्ट्राइक एंड करने, एज एलओपी आपका? देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ, अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो, सही? आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो और मैं यहाँ दलितों की रक्षा करने आया हूँ, उनकी बात उठाने आया हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करूँगा।